राम सगला ने स्वागत है आज आपने न्यू व्लॉग में। राम राम सारा ने आज मैं नाम के सामग्री की सब्जी मैं सामग्री ले ली और 5-6 घंटा पहले मैं भेज दी भेजना यहाँ क्लू की केर भी सगे भेज दिया। अब आप पा एक सीटी आई थी देरान उबाल लिया पहली पूरी अच्छी तरह धो ली सामग्रिया ने और भेर छोड़ दी उबालने रखा जाना सागे एक चम्मच नमक डाल दिया उबाल लिए केर सामग्री आना पाई एक बार अच्छी तरह और धो लिया धूल मिट्टी वज की सा उतर जी सी पानी सो निकल जी सी चालनी कढ़ाई ले लिया कढ़ाई में तेल ले लियो सांगरी की सब्जी बनावा जना तेल ठीक ले लिया मैं थोड़ो तेल ना गरम होन दिया राजस्थान की स्पेशल सब्जी है सांगरी की ब्याह शादियां में भी मनावे खास मौका करे तेल कोई भी ले सको तिल या सरसों को तेल एक चम्मच जीरो चुटकी भर हींग हल्दी एक चम्मच पिसेड़ो दाणो सूखी लाल मिर्च मसाला न पकन देवा 2 मिनट मसाला न पक जावे। अब उबलड़ी सांगरी गेर जा लाल मिर्च अमचूर पाउडर एक चम्मच नमक और किशमिश डाल दिया मिला लिया आज सब्जी 3-4 दिन जी खराब को नहीं होनी अचार के रूप में खा सका आपने राजस्थान की पहचान है सांगरी की सब्जी लोग राजस्थान में आवे दूसरे देश का राज्य का तो आपने राजस्थान में सांगरी की सब्जी जरूर खावे क्या आपने ठेकी प्रसिद्ध और फेमस है और सबसे बड़ी बात आए कि पर कोई प्रकार को जहर यूज को नहीं है जटे ज़्यादा जहर यूज हो बटे तो आजकल सांगरियाँ लागनी बंद होगी बहुत ही पौष्टिक सब्जी वह निरोगी वह इन्हें हरी भी खानी हरी सांगरी भी खानी चाहिए सुखी की भी खानी चाहिए सांगरी की सब्जी में मसाला की ज्यादा ही पड़े है ज्यादा मसाला में यहाँ सांगरी की सब्जी स्वाद बने सांगरी की सब्जी बना रब तैयार है थे भी सांगरी की सब्जी बनाया सांगरी की सब्जी रेसिपी आपने क्या लगी कमेंट कर जरूर जरूर बताया ये देखो एक एक चीज नरनरी दिख रही है केरिया फोलरा किशमिश सांगरी परांठा साग तो बहुत ही स्वाद लगा खावे जना आज वीडियो थाने किया लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करिया धन्यवाद।